कांग्रेस पार्टी के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का नगर उपाध्यक्ष भी सड़क पर कॉलेज से आती जाती हुई लड़कियों को छेड़ रहा था। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने जब छेड़खानी का विरोध किया तो नगर उपाध्यक्ष पुलिस से ही भिड़ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छतरपुर में कांग्रेस पार्टी के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का नगर उपाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह बघेल नाम का नेता मोटरसाइकिल से आता है और नशे की हालत में वो कॉलेज की छात्राओं को छेड़ने लगता है। इस दौरान वहां मौजूद आरक्षक मनीष दुबे ने जब इसका विरोध किया और युवक को समझाने की कोशिश की तो आरोपी युवक आरक्षक से ही भिड़ जाता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी आरक्षक की वर्दी फाड़ने की कोशिश कर रहा है और गालियां दे रहा है। इस बीच आरक्षक ने मनचले युवक को कंट्रोल किया और युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए एसपी अमित सांघी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एक आरक्षक है मनीष, जो कि खजुराहो में पदस्थ हैं। ये शासकीय कार्य से कल छतरपुर आए थे और जब खजुराहो जाने के लिए निकल रहे थे उसी वक्त उन्होंने देखा कि कुछ बालिकाएँ खड़ी हैं और एक युवक वहाँ पर आकर और कुछ अभद्र तरीके से बातचीत कर रहा है। इन्होंने उसमें बीच बचाव किया और उसे रोकने की कोशिश की तो जो युवक था संभवतः जो शराब के नशे में होगा आरक्षक से उलझ गया और परंतु अपने एक हाथ में सामान होने के बावजूद भी उसने उसे कंट्रोल किया। बाद में पुलिस वहां पे गई और इस आरोपी के ऊपर धारा या 353, 186, 332, 294 IPC के तहत थाना सिविल लाइन्स में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष इसे प्रस्तुत किया गया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।